Hey, how's it going, everyone? My name is Madhib और आज हम लोग realistic Minecraft के अंदर बिताने वाले पूरा का पूरा एक हफ्ता। Yes, guys, तुम लोगों ने एकदम सही सुना है। जैसे जैसे आज हम लोग गेम के अंदर करने वाले प्रोग्रेस, हमारी गेम और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनती रहेगी। एंड इसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के सबसे अजीब से और सबसे फालतू वर्जन से, जो कि 2D वर्जन। एंड आई हैव नो आइडिया भाई ये कितने घटिया ग्राफिक्स है। एंड मुझे तो भाई इस चीज को पेड़ बोलने में भी शर्म आ रही है, माई गॉड। और सच बताऊंगा तुम लोगों को, मैं कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई थिंक अभी मैं तुम लोगों के सामने देख सकता हूँ। हेलो 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 हेलो, इफ यू गाइस आर एक्साइटेड लीव अ लाइक गाइस। इस वीडियो का लाइक है मैं 120K लाइक्स, एंड चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। और एक काम करते गाइस, इस पेड़ को खोदना स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये हमारा ओक का लॉग है भाई। किस एंगल से ओक का लॉग लग रहा है ये? ओ भाई साहब, मेरे को ना गाइस फटाफट इस पर्टिकुलर माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर से बाहर निकलना। छी, मेरी इन्वेंटरी के अंदर तुम लोग मेरे आर्मर वाले स्लॉट को देखो, कितना अजीब लग रहा है ये। ओ माय गॉड, और मेरी इन्वेंटरी में क्या अंडा पड़ा हुआ है? व्हाट गाइस, क्या पुराने पुराने माइनक्राफ्ट के वर्जन के अंदर अंडे उंडे मिलते रहे क्या है? मुझे लग क्यों रहा है ऐसा? एक काम करते गाइस, फटाफट यहाँ पे अपना शीप वगैरह ढूंढते हैं एंड यहाँ से फटाफट भगते हैं। रुको, मैं क्या करने वाला, क्राफ्टिंग टेबल बनाकर क्राफ्टिंग टेबल को नीचे लगाएंगे। यहाँ पर मैं अपने लिए स्टिक्स बनाने वाला हूँ। ओह माय गॉड, स्टिक्स भी कितनी ज्यादा गंदी लग रही है। इनफैक्ट एक काम करते हैं ना भैया, बाकी सबको छोड़ो, हम लोग एक वुडन की स्वॉर्ड बनाने वाले। ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट? किस एंगल से स्वॉर्ड लग रही है भाई? मुझे गाइस जल्द से जल्द इस वर्जन से बाहर निकलना पड़ेगा, मैं परेशान हो रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा। पांडा, हेलो मेरे पांडा, पांडा कहाँ फंसा हुआ है भाई तू? देख, मैं तो यहाँ से बाहर निकाल नहीं सकता, मुझे अकेले यहाँ से बाहर निकालना। भाई मेरे पास इतना टाइम होता तो मैं तेरी मदद जरूर करता। आई एम सो सॉरी मैन, बट फिलहाल को मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, मुंह के सामने गौ माता और एक चिकनू है। गौ माता, आपने देखा है क्या शीप को आसपास? कोई एक शीप प्लीज मुझे जल्द से जल्द दिलवा दो, मुझे इस वर्जन से बाहर निकलना है गेम के यार। शीप, ओ माय गॉड, मुझे शीप मिली है। इसको मारू कैसे मैं भाई? कितना ज्यादा मुश्किल है, कितना ज्यादा मुश्किल है एक्चुअली में यहाँ पे इनको मारना वगैरह। ओ माय गॉड, एक और शीप। हेलो हेलो हेलो, प्लीज प्लीज एक तीसरी शीप अगर मुझे यहाँ पर मिल जाए ना तो भाई मजा आ जाएगा। एंड गाइस, जैसे जैसे आज हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं ना गेम के अंदर, वैसे वैसे ये वर्ल्ड इतना रियलिस्टिक बनेगा कि जो सबसे आखिरी वाला वर्ल्ड होगा ना, उसको देखकर तो तुम लोग हैरान हो जाने वाले। सच्ची बता रहा हूँ मैं, तुम लोगों को लग ही नहीं सकता है कि मैं यहाँ पर माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, इतना रियलिस्टिक होने वाला है वाला। एंड मैं कैसे भी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हूँ एक और शीप की खोज में। बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई यहाँ पर इसको कंट्रोल भी करना, 2D माइनक्राफ्ट को। वो भी ऐसा लग रहा है मैं किसी लसन से पीसी के अंदर खेल रहा हूँ भाई, इतने गंदे ग्राफिक्स है। कितना घूमे, कितने बुरे हाल हो चुके हैं इस जगह पे, मुझे बस एक और शीप नहीं मिल रही है, मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। हेलो 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 हेलो, आप मुझे दिखियो, मैं आपको मारूंगा, मैं आपको मारू भाई। इसके ऊपर से कुछ तो गिर रहा था, इसने मुझे गाइस दी है। नाइस ब्रो, दिस इज माई क्राफ्टिंग टेबल माई ब्रदर्स। और मैं यहाँ पर अभी करने वाला हूँ इस चीज को एंड। ओके, बेड बन चुका है। एंड अब बस गाइस इस बेड को हम लोग लगाएंगे नीचे, एंड दैट्स इट, हमको बस सोना है यहाँ पे एक बारी। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर गोना स्लीप नाउ, लेट्स गो। एंड आई थिंक अब हम लोग यहाँ पे एकदम ब्रांड न्यू वर्ल्ड के अंदर आ जाएंगे, लेट्स गो। ओ माय गॉड, अ ब्रांड न्यू वर्ल्ड गाइस। ओ माय गॉड, ये वाला वर्जन माइनक्राफ्ट का कितना सुंदर है। हेलो मेरे गोडू गोडू भाई, जैसे मैं सुबह सो के उठा तेरी प्यारी सी सूरत मुझे दिखी मुंह के सामने, काफी ज्यादा खुशी हुई मेरे को भाई। थैंक यू सो मच मैन मुझे ग्रीट करने के लिए। चला मुझे प्यार कर, मुझे प्यार कर, एक ही बार में प्यार चाहिए तेरी ऐसी की तैसी भगियां से पकौड़े। ओ माय गॉड भाई, ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट का वर्जन देख के जो मुझे खुशी हो रही है गाइस, अभी तुम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। एंड अभी यहाँ पर गाइस मैं फटाफट क्या करने वाला, एक और बेड बनाने वाला, बिकॉज वी हैव टू चेंज आवर बेड्स, दैट्स इट। बेड जैसे हमारा चेंज होगा हम लोग इस पर रात को सोएंगे, हम लोग अगले रियलिस्टिक वर्ल्ड में पहुंच जाने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस मैन। शीपी शीपी, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। आज मेरे शीपू शीपू देखो गाइस, कितना आसान है भाई, कितना दो दे दे भाई, किसी और शीप को मारना नहीं पड़ेगा। नहीं, इसने मुझे एक ही दिया सिर्फ, कोई बात नहीं ब्रदर। मुंह के सामने इतनी सारी शीप्स है जिसमें से एक व्हाइट कलर की, आ जाओ माता जी। नाउ यू हैव टू डाई अगेन, एंड नाउ बस गाइस अब हम लोगों को यहाँ पे बस रात होने का वेट करना है, एंड दैट्स इट। और हम लोग चले अपने अगले रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर। आई एम सो एक्साइटेड मैन, अगला वाला कैसा वर्ल्ड होगा हमारा। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे सूरज छुपता हुआ दिख रहा है मुंह के सामने, अब हम लोगों के यहाँ पे वर्ल्ड चेंज होने वाला है गाइस। इफ यू गाइस आर एक्साइटेड लीव अ लाइक, इस वीडियो का लाइक जरूर कंप्लीट करना गाइस तुम लोगों ने, बिकॉज इससे भी धासु धासु आइडियाज मेरे पास फ्यूचर में बहुत ज्यादा है भाई, अभी तक स्टैक करके रखे मैंने सारे के सारे। चलो गाइस सो जाते हैं, एंड अब हमारी सुबह होगी एक ब्रांड न्यू वर्ल्ड के अंदर, देखते वो वाला वर्ल्ड हमारा कैसा है। व्हाट है, वेट, ये कितना अजीब सा वर्ल्ड है। हेलो, ओ माय
गॉड गाइस, इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर हमारे क्यूब वाले ब्लॉक सारे के सारे गए, यहाँ पर है सारे के सारे हमारे राउंड ब्लॉक्स। ओके एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट लग रहा है। ओ माय गॉड, पेड़ देखो यहाँ पे तुम लोग। शिट डूड, व्हाट द हेल इज दिस, एकदम ऐसे गोल गोल पेड़ भाई, एक्चुअली में रियल लाइफ लग रहा है। एंड व्हाट, हेलो साहब, यहाँ की काव देखो गाइस कितनी ज्यादा रियल लग रही है। एंड पिग्स वगैरह को, शीप को देखो, ओ माय गॉड। ओके गाइस, हम लोग एक्चुअली में एक और भी ज्यादा रियलिस्टिक वाले वर्ल्ड के अंदर आ चुके। छी, इसका पिछवाड़ा कित भाई यार, ये गेम ना एक्चुअली में नॉन रियलिस्टिक ही अच्छी लगती है। क्या है ये भाई, हेलो व्हाट इज दिस ब्रो, ये पूंछ कितनी अजीब लग रही तेरी यार, पर ये छुटको वाला कितना क्यूट लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स गाइस, एक काम करते हैं, अपना जुगाड़ करके रखते हैं, है ना। इसको पेल दिया है मैंने यहाँ पे, एंड अभी मैं ऑफ कोर्स इसको भी पेलने वाला हूँ यहाँ पे। एंड देन उसके बाद गाइस हम लोग करेंगे एक्सप्लोर इस जगह को अच्छे तरीके से। ये सब टोपा ऐसा लग रहा है भाई, पिरामिड अजीब सा है ना, ऐसा लग रहा है डेजर्ट पिरामिड है भाई साहब। ऑलराइट, एक्चुअली में गाइस हम लोग प्रोग्रेस तो कर रहे हैं भाई, है ना। ये वाला वर्ल्ड पिछले दो वर्ल्ड से तो ज्यादा ही रियलिस्टिक है। आई थिंक जो हमारा सेकंड वाला वर्ल्ड था गाइस, वो हमारा बेसिक वाला वर्ल्ड था, लाइक जो सबसे ज्यादा बेसिक वर्ल्ड होता है हमारा माइनक्राफ्ट का, है ना। एंड ये वाले वर्ल्ड ने तो भाई मेरा दिल खुश कर दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, एक काम करता हूँ मैं फटाफट, यहाँ पर एटलीस्ट मैं एक बेड बना के रखता हूँ सबसे पहले। एंड देन हम लोग यहाँ पे रात होने का वेट करेंगे एंड इस जगह को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हैं ना भाई, एक बार जब तक यहाँ पे रात होगी यार। क्यों गाइस, क्या बोलते तुम लोग? मैं तो एक्चुअली में यहाँ पे हर एक चीज देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, लाइक यहाँ का सूरज हो गया एंड यहाँ की केव्स वगैरह। ओ शिट डूड, ये केव्स कितनी ट्रिपी लग रही है भाई, मेरे को चक्कर आ रहा है उसको देख के एक्चुअली में। नहीं भाई, यहाँ तो जाऊंगा नहीं मैं, आज एक बड़ी ऐसी गुफा मिल जाए मेरे को, मजा आ जाएगा। ओके गाइस, मुझे मुंह के सामने वहां पर दिख रही है सामने एक गुफा, वहां चलते एक बार। एंड मछलियां यहाँ की एकदम नॉर्मल है, मछली ठीक है भाई। सच्ची बताऊं गाइस मैं तुम लोगों को, ये जो इतने रियलिस्टिक मॉब्स दिख रहे हैं ना, ये मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं है जितने हमारे ऑथेंटिक माइनक्राफ्ट के मॉब्स पसंद है मेरे को, सच्ची बता रहा हूं तुम लोगों को भाई। ओ माय गॉड, ये वाली गुफा देखो अंडरग्राउंड वाली, कितनी ऑसम लग रही है, गोल गोल जैसी। शेड, ये वाला माइनक्राफ्ट ओवरऑल देखा जाए तो दिखने में तो है गाइस सुंदर, दिखने में सुंदर तो ये है भाई साहब। ओ भाई साहब, ये गड्ढा कितना अजीब लग रहा है भाई, ये वाला नहीं 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 भाई, मुझे डर लग रहा है, मुझे जेन्युइनली डर लग रहा है भाई इस गड्ढे को देख के नीचे। ये देखो भाई साहब, एक्चुअल में मुझे डर लगा इसको देख के अभी भाई। इस टाइप के गड्ढे ना हम लोग ट्रैकिंग वगैरह में देखते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने आई शुडंट बी अलाइव, इस टाइप के जो शोज वगैरह आते हैं फालतू के भाई साहब, उन शोज के अंदर लोग ऐसे ऐसे गड्ढों के अंदर घुसते हैं और फिर भाई बाहर नहीं निकल पाते। मेरे को वो क्लस्ट्रोफोबिया क्या बोलते हैं, जो ये बोलते हैं वो हो रहा है भाई, बाहर निकल यहाँ से माटी, बाहर निकल यहाँ से भाई, मेरा दम घुट रहा है, सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। दिस वर्ल्ड इज सो मेस्ड अप डूड, कहाँ से बाहर निकलना जल्द से जल्द, रात हो जाए एक बार यहाँ पे। ओ माय व्हाट, ये कितना अडोरेबल है डूड, कितना ज्यादा क्यूट है ये वाला बी, देखो इसको एक बार, वेट वहां ऊपर एक और उड़ रहा है। ओ शिट डूड, ये बहुत क्यूट है। ओ शिट डूड, ये वाला पेड़ कितना ऑसम लग रहा है, एंड ऐसा लग रहा है इस पेड़ के अंदर गया हुआ ये। बड़े एक सच्ची बताऊंगा इसमें तुम लोगों को, रियल लाइफ की वो नहीं होती क्या बोलते हैं उनको यार, घरनेट या घरनेट पता नहीं जो भी बोलते हैं उसको भाई, ये वैसा लग रहा है सेम टू सेम। और अभी इसको देखिए मेरे को भी इतना डर लगा ना, लगा मुझे अगर ये लाइक ऐसे डंक मार देगा मैं मर ही जाऊंगा अभी और इस वक्त यहाँ पे सच्ची में। और इसी के साथ गाइस एक और दिन हमारा ढलता हुआ माइनक्राफ्ट के अंदर, एंड अब गाइस दोबारा से सोने का समय आ चुका है। एंड आई थिंक अब हम लोग और भी ज्यादा तगड़े वाले रियलिस्टिक वाले वर्ल्ड के अंदर जाने वाले हैं। अब सीधा ही सो जाते हैं एंड मैं मिलता तुम लोगों से अगले वर्ल्ड के अंदर। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, अगला वाला वर्ल्ड हमारा होगा कैसा। ओश ब्रो, ये तो भाई ये कितना रियल लग रहा है। ओ भाई, इस वर्ल्ड के अंदर सूरज की किरणें भी कितनी रियल लग रही है। अरे भाई साहब, मेरा केप देखो पीछे का, ओ माय गॉड, ये पूरा हिल रहा है। ओ शिट डूड, कितना ऑसम लग रहा है मेरे बैक साइड पे। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक काम करते हैं, देखो मेरे पास यहाँ पे थोड़े बहुत डर्ट वगैरह तो पड़ी हुई है, बट एक काम करते हैं गाइस, मैं ना अब अपने लिए बेसिक चीज लाइक वो सब कुछ बना के रखता हूँ ना, अपने लिए बेड का वगैरह सामान। वेट, इसको तोड़ते हुए देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे कैसे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ब्रो दिस इज रियल माइनक्राफ्ट एक्चुअली में, एंड दिस इज लुकिंग सो गुड। What? What? क्या मुझे वो दिखा गया जो तुम्हें भी दिखा भी यहाँ पे? एक सेकंड रुको, एक सेकंड, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो oh shit dude, मैं इसको लाते भी मार पा रहा हूँ एक्चुअली में। लुक एट दिस डूड, वेट, इसको फटाफट तोड़ एक बारी। ओ माई
गॉड दिस इज सो रियलिस्टिक डूड. ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ये है एक्चुअली में रियलिस्टिक वर्ल्ड. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. वेट, क्योंकि ना बहुत सारे तोड़. इनफैक्ट एक काम करते हैं ना भाई, रुको एक बार यार, मैं यहाँ पर क्यों कर रहा, थोड़ा खुले में चलते एक बारी, थोड़ा खुले में चलते हैं. ब्रो दिस वर्ल्ड, ओ माय गॉड, मेरी क्राफ्टिंग टेबल क्या टूटी है भाई, क्या टूटी है भाई मेरी क्राफ्टिंग टेबल अभी. ओ माय गॉड, दिस वर्ल्ड इज सो गुड डूड. ब्रो इस चीज के लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है मैन. आई थिंक मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा जैसे जैसे हमारे दिन बीतेंगे वैसे वैसे माइनक्राफ्ट और भी ज्यादा डेंजरस बनता रहेगा, लाइक समझो हॉरर वाला बन जाएगा. वो बनाने के लिए तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड. देखो तुमने यहाँ पे ये कैसे हिल रहा है. वेट, अगर मैं इसको तोड़ूंगा, देखो गाइस बैम्बू जब नॉर्मली भी टूटता है तब भी बहुत ऑसम लगता है, बट इसके साथ कैसा रहेगा. आई जस्ट वॉन्ट टू सी दिस. ए देखो भाई कैसे गिर रहा है, एक सेकंड को मैंने एक चीज देखना चाहता हूँ, मैं इसको अपने हाथ से गिराऊंगा. व्हाट, ये देखो हवा में घूम के गिरा नीचे. शिट डूड दिस इज सो रियल. व्हाट, ये ऊपर से क्यों गिरा भाई पेड़. ओ अगर मैं रुको इस एक चीज को तोड़ूंगा, इस एक वुड को तोड़ूंगा तो ऊपर से सारे के सारे पत्ते भी नीचे गिर रहे हैं. यार कितना रियल है भाई, ये कितना रियल है. मेरे को तो मेरे ये जो बैक साइड पे लगा है ना केप टाइप, ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा. तो यहाँ पे ओह शिट भाई क्या मस्त हिल रहा है यार ये. गाइस आई जस्ट वांट टू चेक वन मोर थिंग. ओके मुझे अब यहाँ पे ग्रेवल दिखा है ना, मुझे बस यहाँ पर भी ग्रेवल को तोड़ना है फटाफट. एंड आई वांट कि बहुत सारा ग्रेवल मेरी इन्वेंटरी पे है फटाफट. एंड रुको यार गाइस, मुझे ना ये यहाँ पर अटका देखा. क्यों भाई क्यों क्यों है आपके मन में इतनी चुल. जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, अभी यहाँ पे अटक के मर जाने वाला था बंदा. देखो गाइस 8 ग्रेवल है, इन ग्रेवल को मैं अभी ऊपर डालने वाला हूँ, ठीक है ना. ऊपर लेके गए, अब जब मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या ग्रेवल गिरेगा, कैसा गिरेगा. आई वॉन्ट टू सी दिस मैन. ओके लेट्स सी दिस. ओ माय गॉड क्या ही मस्त वो है. देखो Oh shit, dude. This world is so real. So real, guys. And जो आगे वाले world आने वाले है ना वो तो और भी ज्यादा रियल होने वाला है. सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को, इतना तो मुझे लग गया पता. पानी के नीचे भी कितना awesome लग रहा है भाई. Wait, अभी ये क्या हुआ? इस पत्ते को देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे. एक फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग गाइस मेरा केप देखो, बैक साइड वाला, मैं पानी के नीचे गया हुआ हूँ तो देखो कितना रियल है, ऊपर के लिए लटका हुआ है. दिस इज नॉट माइनक्राफ्ट डूड. और देखो गाइस मुंह के सामने वीट दिख रही है तुम लोग को, ग्रास वीट. जैसे मैं इसको करूंगा देखो ये टेढ़ी हो रही है, ये टेढ़ी हो रही है. इसका मतलब अगर मैं फूल वगैरह के पास जाऊंगा तो क्या ये भी टेढ़े होंगे. ओके डूड आई थिंक अगर ऐसे हुए ना, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर करना एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना. ओके गाइस आई जस्ट वांट टू सी दिस. ओके सबसे पहले मैं एक काम करने वाले, आसपास के फालतू के ब्लॉक्स तोड़ेंगे सबसे पहले गाइस, ठीक है ना. एंड गाइस जितने भी फालतू के पार्टिकल थे इनको हम लोग यहाँ से लाते मार मार के नीचे गिराएंगे. चलो यहाँ से नीचे, चलो यहाँ से नीचे. एंड जो गाइस हमारा ये वाला फूल है इसको मैं यहाँ पे उगाने वाला हूँ. एंड सी दिस गाइस. ओके एंड फूल टेढ़ा हो गया. ओह शिट दिस इज सो रियल डूड, दिस इज सो रियल. ओके अभी मेरे को मर्डर करने का मन कर रहा है. ये देखो बदसूरत को, तू कहां से आया भाई, तू कहां से आया. मर्डर करने का मन कर ही रहा था गाइस तो इसी का मर्डर कर लेते हैं ना. आजा आ, क्या लाश गिरी है भाई की, क्या लाश गिरी है भाई की. ओ माय गॉड आजा आजा, मेरे टेस्टिंग सब्जेक्ट मुंह के सामने अपने आप आ रहे गाइस. इससे जरा खुशी की बात और क्या हो सकती है. ओ माय गॉड ये कितने रियल लग रहे मरते हुए भाई साहब. ओके गाइस ठीक है. ओ अबे तेरी ऐसी की तैसी मुझे मारेगा तू, क्या आ जा, तू भी आ जा. तेरे को भी मैं टेस्ट करता हूँ कि स्केलेटन मरता हुआ कैसा दिखेगा इस वर्ल्ड के अंदर, कैसा दिखेगा. लेफ्ट हैंडेड है भैया, बड़ा रेयर है तू तो भाई. ओ माय गॉड इसकी लाश को मैं लत भी मार सकता हूँ यार, फुटबॉल खेल रहा इसकी लाश के साथ ऐसा लग रहा है. माय गॉड ओ माय गॉड बारिश होनी स्टार्ट होगी यहाँ पे तो. ओ भाई साहब ये गेम किस एंगल से माइनक्राफ्ट लग रहा है भाई. हेलो यहाँ की बारिश कितनी ज्यादा रियलिस्टिक है भाई साहब, दिस इज सो अजीब यार, ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है. एक बार मैं जरा मेलन को भी तोड़ने वाला गाइस, ये एकदम ऑसम एक्सपीरियंस है मेरे लिए फर्स्ट टाइम पे. एंड आई थिंक गाइस यहाँ पे अब रात भी इतनी ज्यादा तो हो चुकी है कि आई थिंक अब हम लोगों को सो जाना चाहिए एंड अपने दूसरे वर्ल्ड की तरफ प्रस्थान करना चाहिए आई थिंक सो. एक सेकंड रुको, मेरी यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रह गई. भैया क्राफ्टिंग टेबल के बिना तुम्हारा भाई नहीं जाने वाला बिल्कुल भी नहीं. चलो गाइस ये आई क्राफ्टिंग टेबल इन्वेंटरी पे एंड मैं सीधा सोने वाला हूँ एंड तुम लोगों से अपने अगले वाले रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर मिलता हूँ. लेट्स सी कि अगला वाला वर्ल्ड हमारा कितना रियल है. नो वेस नो वेस, ये कैसा है भाई, ये तो कुछ अलग ही लेवल का रियल लग रहा है. ओ भाई साहब ये किस एंगल से माइनक्राफ्ट लग रही है भाई, ये गड्ढा भी कितना रियल लग रहा है ब्रो.
इट सीम्स लाइक मैं एक्चुअली में रियल लाइफ के अंदर आ चुका हूँ, एक्चुअली में, माँ कसम। एंड गाइस मैं तुम लोगों को सच बताऊँ, ये मुंह के सामने पानी और मछली कितनी रियल लग रही है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस हाउस डूड, लुक एट दिस हाउस। भाई तो मेरे खुद के घर से भी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है एक्चुअली में। ओके एक बार गाइस जरा वुड को तोड़कर देखते हैं। ओ भाई टूटने का एनिमेशन क्या ही प्यारा है इस घर का। एंड ओ ओ अरे नहीं नहीं भाई, सॉरी सॉरी, नो इसका पूरा घर गया। अरे भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने इस बंदे का पूरा घर तोड़ दिया। ओ माय गॉड। एंड गाइस मुंह के सामने ना ये लिटरली कबलस्टोन है, कबलस्टोन दिस थिंग। नहीं ये कबलस्टोन नहीं है, ये ग्रेवल है एक्चुअली में। ओ शिट। एंड भैया तुम लोग तो बड़े एडवांस है यार, मतलब बड़े रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर रहते हो, हम तो फालतू के वर्ल्ड के अंदर रहते हैं यार। अगर मुझे थोड़ा ही पता होता इतना औसम है तो भाई मैं तो यहीं पे रहता जिंदगी भर के लिए, मेरा पीस इतना सहन कर नहीं पाएगा शायद से। ओ ये वाली गुफा देखो भाई नीचे के लिए। ओ हो अलग अलग। तुम लोग को मैं सच में बताऊं, ये मुंह के सामने कबलस्टोन है एंड आई थिंक ये ऊपर के लिए डर्ट है। क्या ही ऑसम लग रहा है भाई, क्या ही ऑसम लग रहा है। वो गड्ढा भी कितना रियल लग रहा है यार, उस गड्ढे के अंदर अभी ना एक्चुअली में जाने की फट रही। लाइक अगर मान लो मैं इसी टाइप के किसी बीहड़ इलाके में पहुंच गया एंड मुझे इस टाइप के गड्ढे दिखेंगे तो मैं जाऊंगा थोड़ी। अब गेम के अंदर तो हम लोग जा सकते हैं बट यहाँ पर भी जाने के लिए डर लग रहा है। चलेगा नहीं चलते गए। ये क्या है, ये क्या है? हेलो व्हाट द हेल आर यू माय ब्रदर? आई थिंक ये गाय है, आई थिंक ये गाय है। ये है एक बहुत ही क्यूट गाय। ओ माय गॉड, ये हाईलैंडर गाय है गाइस। आई थिंक इसका नाम हाईलैंडर गाय होता है। चलो गाइस एक काम करते हैं, इस खतरनाक से गुफा के अंदर चलना स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ चुके हैं बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड एंड यहाँ पे ना गाइस मुझे बस एक ही चीज चेक करनी है जो मेरे दिमाग में भी चल रहा है। ओ माय गॉड, नीचे देखो लावा है, वो कितना कितना अजीब सा रियल लग रहा है। नहीं भाई मुझसे नहीं, सारी चीजें देखी नहीं जा रही, डर लग रहा है। आई एम जस्ट गोना डू वन थिंग गाइस, ओके यहाँ पर मैं बस कोई चीज स्मेल्ट करना चाहता हूँ एक बार एंड आई वांट टू सी कि आफ्टर स्मेल्टिंग कैसा लगता है ये सब कुछ। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत सारा माल हमारे पास आ चुका है, फर्नेस को नीचे लगा कर एक बारी इसको पकाने के लिए लगाते हैं। 10 रॉ आयरन पड़े हैं मेरे पास। ओ माय गॉड सो गुड। ओ भाई साहब, अरे यहाँ पर एक बंदा आ रहा है मुझे मारे। इव 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 इव, कितना गंदा ये। हेलो ओए क्या हो गया, लकवा मार के तेरे को भाई। हेलो भाग जाए ऐसे पकौड़े, भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से पकौड़े, भाग भाग। किसी भी वर्जन ऑफ माइनक्राफ्ट में तू मुझे नहीं मार सकता, समझा? ओह माय गॉड, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया सर के बल। ओ तेरी लत मारूंगा उधर को, आजा भाई। ओ माय गॉड, आयरन का इंगेट कितना रियल है भाई साहब। मैं उस गुफा से भी जस्ट बाहर निकला ही था, व्हाट डिड आई जस्ट सॉ, मुझे दूर से लगा कि डायनासोर खड़ा है मुंह के सामने, बट नो ये है एक लैंटर्न। ओ माय गॉड यार, गाइस हाउ इज दिस पॉसिबल डूड, हाउ इज दिस पॉसिबल, टेल मी कैसे पॉसिबल है भाई। ये तो भाई रियल का भी बाप लग रहा है मेरे को, सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को। एंड गाइस विद दिस सेड, मुंह के सामने यहाँ पे रात हो रही है एंड आई थिंक अब अगला वाला वर्ल्ड हमारा कितना रियल होगा आई हैव नो आइडिया भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए। तो चलो गाइस सीधा ही यहाँ पर सोना स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी दिस कि हमारा अगला वर्ल्ड कितना रियल होता है। ओके आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस वन मैन, मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये होने। What? अरे भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही रियल हो गया। ओ भाई जिम का सेटअप बना हुआ है गाइस, यहाँ पर मुंह के सामने कुछ डंबल्स वगैरह दिख रहे हैं। एक काम करते हैं ना, इन डंबल्स वगैरह को एक बार ही उठा कर देखते हैं एंड लेट्स सी कि क्या हम लोग यहाँ पे कसरत कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ओ तेरी, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब कितना ज्यादा रियल है भाई। ये है माइनक्राफ्ट के सबसे रियल, दुनिया के सबसे रियल ग्राफिक्स, सच्ची बता रहा है इतने रियल और कोई हो नहीं सकते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे तो कपड़े का ऑप्शन भी आ रहा है भाई, पर मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाऊंगा ना, ऑफ कोर्स तुम लोगों के कपड़े है ना कुछ ज्यादा रियल है। दरवाजा खोलते हैं एंड एग्जैक्टली गाइस मैं यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ एंड लेट्स गो आउटसाइड एंड चेक दिस प्लेस। ओ माई गॉड ब्रो दिस इज सो रियल, वो के सामने वाली बिल्डिंग देखो, इन पेड़ वगैरह को देखो, मेरे हाथ को देखो भाई साहब, सो गुड मैन। एक काम करते गाइस यहाँ से नीचे जाके देखते हैं एक बारी। ऑलराइट मैं नीचे आ चुका हूँ भाई साहब, ये गाड़ियां भी इस गेम के अंदर कितनी रियल लग रही है, ऐसा लग रहा है रियल लाइफ की गाड़ियां है भाई। ओके ये दिस इज सो गुड मैन, दिस इज सो गुड। एंड ओ भाई तुम लोगों का पानी दिखा रहा था ना इससे पहले, ये वाले पानी का टेक्सचर देखो, सामने देखो ये कोबल स्टोन है,
मुंह के सामने देखो, ओक का ट्री कितना रियल लग रहा है भाई, इसके ऊपर मॉस उगी हुई है भाई। ओ माय गॉड, दिस इज सो गुड मैन। ऑलराइट भाई, सो आप शैडो देख रहे हो, इनके साइड में मुझे एक विलेजर दिखा है, इस विलेजर के पास जाकर इससे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भाई जी, ओ हेलो, कितना एटीट्यूड भाई इस विलेजर के अंदर, बाकी ऐसे मुझे इस विलेजर से बिल्कुल बात करने का मन नहीं कर रहा है। एंड इस पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर गाइस तुम लोग अपने पैर भी देख सकते हो, लाइक लिटरली जूते का ऑप्शन भी आता है। एंड देखो यहाँ पे डिफॉल्ट वहाँ पे चप्पल आती है, लेकिन गाइस अगर मैं तुम लोगों के सामने यहाँ पे थोड़े बहुत आयरन के इंगेट्स वगैरह, इनफैक्ट आयरन के इंगेट क्यों निकालने, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आयरन के बूट्स निकालता हूँ एंड इनको मैं पहनता हूँ। एंड गाइस चेक दिस आउट, हमारे पास रियल लाइफ में भी आ चुके हैं आयरन के बूट्स, भाई कितने ऑसम लग रहे हैं यार। अब गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर आया तो थोड़ा खाना वगैरह भी खा ही लेते हैं। एक बार इधर मैं फ्रिज को खोलने वाला हूँ, लेट्स गो। यहाँ पर क्या क्या है, नींबू, मिर्ची, दही, यहाँ पर है थोड़े बहुत टमाटर वगैरह, बट मुख सामने ब्रेड दिख रहे गाइस, एक काम करते हैं इस ब्रेड को खाता हूँ मैं फटाफट। एंड लेट्स सी ये कैसी है। काफी टेस्टी है भाई, काफी ज्यादा टेस्टी है। एंड भाई मुझे अभी जस्ट याद आया, रुको गाइस मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ, कुछ बहुत ही सीक्रेट चीज दिखाता हूँ मैं। मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर माइनिंग वगैरह करी थी एंड उस माइनिंग की वजह से गाइस मेरे पास यहाँ पर आ चुका है बहुत सारा गोल्ड। अभी मैं इस गोल्ड से कुछ बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। 5 गोल्ड के इंगेट पड़े हुए हैं, ये रहे मेरे, ठीक है ना, सारे के सारे मैं नीचे फेंकूंगा। क्राफ्टिंग रेसिपी एकदम सिंपल है एंड एक गोल्ड का हेलमेट, भाई ये बहुत ज्यादा रियल है, पहन के नहीं दिखाऊंगा। मैं एक काम करने वाला मैं नीचे जा रहा हूँ बेसमेंट पे, बिकॉज मेरे को सुनने में इस वर्ल्ड के बेसमेंट के अंदर कुछ तो गड़बड़ है भाई। एंड जब भी मैं यहाँ पर गाइस घूमने वगैरह के लिए आता हूँ ना, यहाँ पर मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। और भाई साहब ये एंडरमैन है, ओके मैं इसे पंगे नहीं लूंगा अभी, एक सेकंड रुको गाइस, क्यों ना मैं इस एंडरमैन को अगर मारूं और इसको मार कर मैं इससे इसकी एक एंडर पर्ल चोरी कर दूं तो कितना बढ़िया होगा। मैं आया इसको मार के, 2 सेकंड रुको तुम लोग। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गो, ये रही हमारे पास एक एंडर पर्ल। एंड अब ये काम करते हैं, मैं बाहर जाकर तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है ना, इसका यूज करके। वो देखो गाइस वहां ऊपर मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ, उसको फेंकेंगे एंड आई थिंक हम लोग वहां पे टेलीपोर्ट अप कर जाने चाहिए। लेट्स गो भाई, मैं अब अंदर जा रहा हूँ घर के अंदर अपने, एंड मैं अब यहाँ पे सोने वाला हूँ गाइस डायरेक्ट। एंड आई जस्ट वांट टू लीव दिस प्लेस मैन, ये कुछ ज्यादा रियलिस्टिक है, अभी उस एंडरमैन ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था, मैं बस सो रहा हूँ यहाँ पे। एंड बस गाइस मेरा हो गया भाई यहाँ का। तो कैसा कहते हैं लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, इसी टाइप की और बहुत ही धासु आइडियाज मेरे पड़े हुए हैं जिनके मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलता हूँ तुम लोग ऐसे धासु नेक्स्ट वीडियो में, तब से ऑसम गाइस, बाय बाय।